राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने विकास भवन सभागार में गोरखपुर के ब्लॉक तहसील के जनसूचना अधिकारियों के साथ जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिए कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को समय से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाए और यदि सूचना नहीं दिया जाना संभव हो तो आवेदक को सासमय अवगत करा दिया जाए, किसी भी दशा में आवेदन को लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में सुनवाई हेतु जन सूचना अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जिसे पूरे प्रकरण एवं सूचना की जानकारी हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभागों में जन सूचना का रजिस्टर अनिवार्य रूप से बना रहे और उसमें प्राप्त आवेदन एवं उसके निस्तारण का विवरण भी अंकित किया जाए। उन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन की प्रथम अपील प्राप्त होने पर समय से उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कराते हुए जन सूचना के आवेदनों का समय से निस्तारण कराया जाए, जिसके संबंध में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में जन सूचना अधिकारियों की बैठक थी जिसमें राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम और पंचायती राज विभाग की बैठक की गई जिसमें सभी SDM, CO, VDO उपस्थित थे। उनसे बताया गया कि RTI शासन प्रशासन के काम में संपूर्ण पारदर्शिता का कानून है। इस बैठक में CDO संजय कुमार मीना, SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, ADME पुरुषोत्तम गुप्ता, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश सिंह, CO कोतवाली विमल कुमार सिंह, CO कैन श्यामदेव बिंद, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य BDO एवं अन्य विभागों के जन सूचना अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा, सर आपको आपकी सर इस बैठक में आज की बैठक में सर इसके हमारे सभी SDM हैं, SDM सभी BDO तहसीलदार और LU पंचायत और फिर CO भी कुछ है सर और गए हैं इसके ना कुछ एक दो इशू भी हो गए हैं तो हमें प्रशासन सर मैं पुरुषोत्तम दास गुप्ता ADM प्रशासन बुरा हूँ सर मैं आनंद वर्मा इस आधार से प्रणाम सर संजय पांडे की पंचायत है कितने ग्राहक है जिले में 20 वीडियो मेरे पे आई ले रहा हूँ तो जाना ही जाना है क्योंकि असली सूचना तो वही रहती है उसी देना पड़ता है और वही सबसे कमजोर कड़ी है सबका उसे करना पड़ता है लोकपाल और काम उसे करना भी पड़ता है तमाम तरह विविध काम है चलिए बड़ा सभागार में उपस्थित CDO साहब मीना जी ADO साहब DPRO महोदय आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और पिछली बार जब मैं आया था तो थोड़ा अपने से गलती हो गई थी तो महाराजगंज गोरखपुर दोनों लोगों को मैंने बुला लिया था और सभी लोगों को बुला लिया था तो बड़ा सभागार होने के बावजूद भीड़ बहुत हो गई थी तो कई लोगों को बाहर जाना पड़ा खड़ा होना पड़ा तो ये अनुभव आया कि पिछली वाली बैठक ठीक है प्रारंभिक बैठक थी RTI पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की थी प्रारंभिक तो जो भी वो बैठक सार्थक थी उसके बाद पूरी सक्रियता आई अधिकारियों में कर्मचारियों में भी
इस बार हमने सोचा तो जनता से जुड़े हुए सर्वाधिक 3-4 विभाग हैं, जैसे पुलिस का विभाग है, सबसे ज़्यादा नदी का रिश्ता होता है, राजस्व का राजस्व विभाग है, ग्राम पंचायत विभाग है और ग्राम विकास विभाग है। तो 4-5 बैठक मैंने केवल इसलिए बुलाई ताकि अफसर वर्ग आए जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जो है सूचना देने या दिलवाने की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र सिंह, जो मुख्य रूप से जन सूचना अधिकारी वही होता है, बाकी सूचना कोई देने जाए, लेखपाल जाए, ग्राम विकास सचिव जाए, कोई जाए, लेकिन जन सूचना अधिकारी के नाते जो है सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अधिकारियों की होती है। इसलिए केवल मैंने इस बार अधिकारियों को बुलाया ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ उनसे, और अधिकारी के स्तर पर जन सूचना अधिकारी के स्तर पर अगर सक्रियता है और समझ है ठीक ठाक तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत बेहतर तरीके से होता है। कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कोई अगर ऐसी बात हुई तो दंड उसी अधिकारी पर लगता है, इसलिए अधिकारियों से आमने सामने ही सूचना चाहे जिसके पास है, लेकिन जिम्मेदार जन सूचना अधिकारी हो सकता है व्यक्तिगत रूप से उसके पास ना हो, किसी और पटी बहुत अच्छी है, लेकिन अनुभव हमारा ठीक है। अनुभव ये है, ध्यान से सुनिए वीडियो लो, 90% केसेस क्या 95% केस में कोई वीडियो एप्लीकेशन ट्रांसफर लेकिन ट्रायल नहीं होता, इसमें बताए कोई बताए 5 दिन में किसने अंतरण कर दिया। ये बैठक जो है मुख्य रूप से जन सूचना अधिकारियों की बैठक थी, आज जो बैठक हुई है जिसमें हमने राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम, नगर निगम की बैठक जो है परसों हमने किया था, आज मुख्य रूप से 3-4 विभागों की बैठक थी, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग और पुलिस विभाग, पंचायती राज विभाग, 4 विभागों की बैठक थी और सारे जन सूचना अधिकारियों को बुलाया था जिसमें सभी SDM, सभी CO, सभी BDO, सभी ADO और CDO भी यहां पर इस बैठक में उपस्थित थे, ADM भी आए थे और एडिशनल SP जन सूचना अधिकारी पुलिस विभाग, जिसमें केवल हमने उनसे ये कहा कि RTI सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में, और यह शासन प्रशासन के काम में संपूर्ण पारदर्शिता का कानून है और भ्रष्टाचार न्यूनतम हो और सभी पत्रावली जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं सभी पत्रावलियों पर उपस्थित सूचना जो है सबको देनी चाहिए, यही लोकहित में है, यही जनहित में भी है। तो सभी लोग उपस्थित तो सबने हमारी बात को ध्यान से सुना और आश्वस्त भी किया है कि सूचनाएं सभी को हम 30 दिन के भीतर देंगे और शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, यही हमारी बैठक का उद्देश्य था।